सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से पांच स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, उसका एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में जानने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने जो भी स्टॉक इसी वीडियो पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने उसके लिए एक रूल का वीडियो मेरा डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है। अगर आप रूल का वीडियो को नहीं देखे हो तो पहले रूल का वीडियो को देख लीजिए। अगर उसी रूल के वीडियो के हिसाब से ये स्टॉक पे या निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपको ट्रेड करने के लिए एंट्री आ रहा है तो अभी आप उसी दिन वो स्टॉक या निफ्टी बैंक निफ्टी पे ट्रेड कीजिए। अगर किसी भी दिन रूल के वीडियो के हिसाब से ट्रेड सैटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आप उसी दिन वो स्टॉक पे या निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ट्रेड मत कीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो उसका नीचे एक लाल कलर का बटन है, वो बटन के ऊपर क्लिक करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमको कल कौन सा स्टॉक के ऊपर ट्रेड करना है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसे रहेगा, उसका एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहला स्क्रिप्ट पे मैंने मारुति स्टॉक के ऊपर शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है, तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 5800 पे आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन ले सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 5830.75 है, स्टॉप लॉस आपको 5875 पे रखना है। पहला टारगेट 5725 और सेकेंड टारगेट 5650 पे रखना है। अगर आप मारुति का फ्यूचर मार्केट पे शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो, 5790 पे आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 5820 है, स्टॉप लॉस आपको 5865 पे रखना है। पहला टारगेट 5715 और सेकेंड टारगेट 5640 पे रखना है। दोस्तों, ये था पहला स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस। चलिए अभी स्क्रिप्ट टू के बारे में जानते हैं। देखिए, स्क्रिप्ट टू पे मैंने टाटा मोटर स्टॉक के ऊपर शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है, तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 108.50 पे आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन ले सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 109.50 है, स्टॉप लॉस आपको 110.5 पे रखना है। पहला टारगेट 106.5 और सेकेंड टारगेट 104.5 पे रखना है। अगर आप टाटा मोटर का फ्यूचर मार्केट पे शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो, 109.50 पे आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 110.25 है, स्टॉप लॉस आपको 111.5 पे रखना है। पहला टारगेट 107.5 और सेकेंड टारगेट 105.5 पे रखना है। तो चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट थ्री के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रिप्ट थ्री पे मैंने ब्रिटानिया स्टॉक के ऊपर शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है, तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 2625 पे आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 2635.45 है, स्टॉप लॉस आपको 2661 पे रखना है। पहला टारगेट 2580 और सेकेंड टारगेट 2550 पे रखना है। अगर आप ब्रिटानिया का फ्यूचर मार्केट पे शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो, 2621 पे आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 2631 है, स्टॉप लॉस आपको 2657 पे रखना है। पहला टारगेट 2576 और सेकेंड टारगेट 2546 पे रखना है। दोस्तों, ये था स्क्रिप्ट थ्री के बारे में एनालिसिस। चलिए अभी स्क्रिप्ट फोर के बारे में जानते हैं। देखिए, स्क्रिप्ट फोर पे मैंने एशियन पेंट स्टॉक के ऊपर शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है, तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 1531 पे आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन ले सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 1535.15 है, स्टॉप लॉस आपको 1547 पे रखना है। पहला टारगेट 1516 और सेकेंड टारगेट 1501 पे रखना है। अगर आप एशियन पेंट का फ्यूचर मार्केट पे शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो, 1541 पे आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 1545.95 है, स्टॉप लॉस आपको 1557 पे रखना है। पहला टारगेट 1526 और सेकेंड टारगेट 1511 पे रखना है। दोस्तों, ये था स्क्रिप्ट फोर के बारे में एनालिसिस। चलिए अभी स्क्रिप्ट फाइव के बारे में जानते हैं। देखिए, स्क्रिप्ट फाइव पे मैंने टाइटन स्टॉक के ऊपर शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है, तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 1032 पे आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन ले सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 1037.20 है, स्टॉप लॉस आपको 1046 पे रखना है। पहला टारगेट 1018 और सेकेंड टारगेट 1004 पे रखना है। अगर आप टाइटन का फ्यूचर मार्केट पे शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो,
1036 पे आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 1041 है। स्टॉप लॉस आपको 1050 पे रखना है। पहला टारगेट 1022 और सेकेंड टारगेट 1008 पे रखना है। दोस्तों ये था पांच स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस, और ये पांचों स्क्रिप्ट के अंदर मैंने शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है। तो चलिए दोस्तों अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, निफ्टी फ्यूचर का जो करंट मार्केट प्राइस है 10,880 है, जो अभी ऊपर की तरफ जाएगा 10,905 के आसपास आप इस पे बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 10,845 पे रखना है। पहला टारगेट 10,965 और सेकेंड टारगेट 11,025 पे रखना है। दोस्तों ये था निफ्टी फ्यूचर के बारे में एनालिसिस। चलिए अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। देखिए बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो करंट मार्केट प्राइस है 27,187.65 है, जो अभी ऊपर की तरफ जाएगा 27,400 के आसपास आप इस पे बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 27,200 पे रखना है। पहला टारगेट 27,600 और सेकेंड टारगेट 27,800 पे रखना है। दोस्तों ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और पांच स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस, जो आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर रूल को फॉलो करके कल आप ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों आप लोग मुझे हमेशा ये बोल रहे थे कि कोई भी एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाइए, भले ही वो पेड स्ट्रैटेजी हो लेकिन वो इंट्राडे पे बहुत अच्छा काम देना चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैंने प्योर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए निफ्टी फ्यूचर के ऊपर एक हेजिंग का स्ट्रैटेजी बनाया है। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम दे रहा है, इसीलिए मैंने कंटिन्यूअसली 4 महीना से लाइव मार्केट में ट्रेड करके इसका जो भी रिजल्ट्स आ रहा है वो रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन देखिए दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि ये सेप्टेम्बर 15-20 तक मेरा कुछ पर्सनल काम के वजह से मैंने लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। इसलिए दोस्तों 4 बजे के बाद ये रूल के हिसाब से जो भी एंट्री या एग्जिट आया होगा मैंने सिर्फ एनालिसिस करके उसका रिजल्ट आप लोगों को शेयर कर लूंगा। और दोस्तों सेप्टेम्बर 20 के बाद मैंने वापस लाइव मार्केट में ट्रेड करके इसका रिजल्ट आप लोगों को शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, ये 4 महीना से मैंने जो भी सारे ट्रेड किया है उसका रिजल्ट एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, उसका रिजल्ट जानने के लिए ये कम्युनिटी टैब के अंदर मैंने हर दिन उसका रिजल्ट को शेयर कर रहा हूँ। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे मई मंथ पे 18% से ज़्यादा रिटर्न आया था, और जून मंथ पे ये लगभग 17.8% के आसपास रिटर्न आया था, और जुलाई पे मार्केट साइडवेज था, फिर भी यहाँ पे 13% से ज़्यादा रिटर्न दिया था, और ये अगस्त मंथ पे 16.3% के आसपास रिटर्न दिया। और दोस्तों अभी सितंबर मंथ कंटिन्यू चल रहा है, और देखिए सितंबर मंथ पे 3 सितंबर पे 2625 का प्रॉफिट हुआ था, और आज जो ट्रेड था 637.5 के आसपास लॉस हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और इसी पांच स्टॉक के बारे में एनालिसिस, और ये निफ्टी फ्यूचर का स्ट्रैटेजी के बारे में भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।